हेलो स्टूडेंट्स, आरसीए एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपन अध्याय 10 को यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इसका नाम है आपका जैव रसायन। जैव रसायन का इंग्लिश मीनिंग होता है बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले अपन जैव रसायन का परिचय यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, क्या होती है जैव रसायन उसके बारे में अपन जानेंगे। आपको जैव रसायन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये है आपका जैव प्लस रसायन। बात क्लियर है, जैव का मतलब होता है आपका सजीवों। अब यहां पर अपने पास में दोनों आ जाएंगे, पादप एवं जंतु। क्लियर, सजीवों में पाए जाने वाले कौन से जैविक अणु, इसकी बात कर रहा है, ये जैविक अणुओं के बारे में बात कर रहा है, जैविक अणुओं के बारे में बात करते हैं। दूसरे शब्द की ये है आपका रसायन, जिसमें अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। ये बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। अब यहां पर जब बात आती है पादप एवं जंतु, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो किस प्रकार से होती है, आपकी उपापचय प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है, उपापचय प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो अपन कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक अणुओं या कहीं सजीवों में पाए जाने वाले जैविक अणुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, आपकी जैव रसायन कहलाती है। दोबारा सुनिए, रसायन विज्ञान की या विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पादप और जंतु में पाए जाने वाले जैविक अणुओं की रासायनिक अभिक्रिया मतलब उपापचय अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, आपकी जैव रसायन। अंग्रेजी में कहें तो इसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन का नाम सर्वप्रथम पॉल न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, किसने दिया था बेटा, पॉल न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1903 में इसका नाम दिया था, और इसको जैव रसायन का जनक भी कहा जाता है। क्लियर, ये आपका परिचय हो गया जैव रसायन का। अब यहां पर बात हुई है किसके बारे में, जैविक अणुओं के बारे में। इसके बारे में बात हुई है जैविक अणुओं के बारे में। अब जैविक अणुओं का अध्ययन अपन को इस पूरे जैव रसायन में करना है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया किनकी होगी, आपकी जैविक अणुओं की। जैविक अणु बनेंगे, जैविक अणु टूटेंगे, जिससे मुख्यतः ऊर्जा मिलती है जो अपने कोशिका या कहेंगे शरीर की वृद्धि एवं रक्षा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। अब यहाँ पर बात करेंगे अपन कि कौन कौन से जैविक अणुओं के बारे में इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जैविक अणु, अब आप सब जानते हो जीवों में पाए जाने वाले अणु कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, उसकी बात करेंगे यहां पर अपन कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात करेंगे अपन प्रोटीन, फिर बात करेंगे अपन विटामिन, फिर बात करेंगे अपन एंजाइम। ये सारे क्या है, आपके जैविक अणु। फिर बात करेंगे अपन न्यूक्लिक अम्ल, जिसपे अपन बात करेंगे किसकी, डीएनए और आरएनए की। बात समझ में आ रही है। फिर बात करेंगे अपन यहां पर लिपिड, जिसको अपन वसा भी कहते हैं। क्लियर, और फिर यहां पर इसमें आपके दे रखे हैं खाद्य परिरक्षक, उसकी बात करेंगे अपन खाद्य परिरक्षक, और फिर बात करेंगे अपन लास्ट में आपका खाद्य रंग। बात क्लियर है, ये टोटल आपके 8 प्रकार के जैविक अणु हैं जिसका अध्ययन अपन इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट।
देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से? कार्बन प्लस हाइड्रेट, इसकी बात कर रहे हैं अपन। कार्बन प्लस हाइड्रेट, कार्बन का मतलब हो गया यहां पर कार्बन के अवयव, इसकी बात हो रही है कार्बन के अवयव। हाइड्रेट का मतलब हो गया जल, हाइड्रेट मतलब क्या हो गया आपका जल। तो कार्बन के अवयव और जल से बने यौगिक क्या कहलाते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। बात क्लियर होगी? कार्बन के अवयव और जल से बने हुए क्या कहलाते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट। इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है आपका CHH2O का होल वाई। क्या होगा? CHH2O का होल वाई। परंतु इस सामान्य सूत्र को सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट फॉलो नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने कार्बोहाइड्रेट की एक नई परिभाषा दी। ध्यान से सुनिए, इस सूत्र का पालन सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं करते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने कार्बोहाइड्रेट की एक वैज्ञानिक परिभाषा दी, जिससे अपने यहां समझेंगे। देखिए, वे यौगिक मैं लिख रहा हूं यहां पर, वे यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, ध्यान देना बेटा, जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हो गया बहुत सारे OH समूह। कौन सा समूह? OH समूह पाया जाता है। वे यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH समूह पाए जाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी युक्त एल्डिहाइड या कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा जल अपघटन पर क्या दे? सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाएं। क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? वे यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH समूह युक्त एल्डिहाइड या कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा जल अपघटन पर सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाएं, क्या कहलाएंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बात क्लियर होगी? क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट आपके कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आएगा आपका कौन सा? मोनोसेकेराइड। कौन सा आएगा? मोनोसेकेराइड। दूसरा आएगा आपका ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा आएगा आपका पॉलीसेकेराइड। बात क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हो गए? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। यहां तक क्लियर है सबका? कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा यहां पर मोनोसेकेराइड के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होते हैं आपके मोनोसेकेराइड। देखिए बच्चों, मोनोसेकेराइड का मतलब होता है, मोनो का मतलब कितना हो गया? एक। मोनो मतलब कितना हो गया आपका? एक। बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? मोनोसेकेराइड। ये जो सेकेराइड शब्द है इसका अर्थ होता है यहां पर शर्करा संयुक्त। सेकेराइड शब्द का मतलब किससे होता है आपका? शर्करा अणु से। सबसे पहले बात करते हैं अपन परिभाषा। ऐसे यौगिक, मोनोसेकेराइड वाले
ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर, क्या करने पर, जल अपघटन करने पर कोई शर्करा अणु प्राप्त नहीं होता है। क्लियर। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर कोई शर्करा अणु प्राप्त नहीं होता है क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड। इनका सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल n और n का मान 3, 4, 5, 6। इनका मान कितना होता है आपका? n बराबर होगा 3, 4, 5 और 6। क्लियर। अब यहां पर इनके पीछे OS क्या लगता है? अनुलग्न लगता है। क्या लगता है बेटा? अनुलग्न लगता है। पीछे नाम के पीछे OSE इंग्लिश में ओज या ओस अनुलग्न यहां पर लगाते हैं। अब इनका अपन क्या करेंगे? वर्गीकरण। क्या करेंगे बेटा? इनका वर्गीकरण। बात क्लियर है। अब वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? देखो एन का मान कितना है? 3, 4, 5, 6। अब तीन यहां लगाएंगे तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। 4 लगाएंगे 4, 5 लगाएंगे तो 5, 6 लगाएंगे तो 6। अब उसी आधार पर, तो यहां वर्गीकरण का आधार क्या होगा? कार्बन की संख्या। क्या होगा? कार्बन की संख्या। अब कार्बन की संख्या के आधार पर ये चार प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे आपके? चार प्रकार के होंगे। अब देख लीजिए कैसे होंगे आपके चार प्रकार के। नंबर एक, प्रायोज। कौन श्रेणी होगी आपकी? प्रायोज का मतलब हो गया तीन कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला हो गया? तीन कार्बन वाला मोनोसैकेराइड। उदाहरण देखो आप, इसमें उदाहरण होता है आपका ग्लिसरेल्डिहाइड। कौन सा होता है? ग्लिसरेल्डिहाइड। बात क्लियर है। ट्रायोज मतलब तीन कार्बन वाला मोनोसैकेराइड, इसका उदाहरण क्या लिया अपन ने? ग्लिसरेल्डिहाइड। नंबर दो है आपका टेट्रोज। इसकी बात हो रही है, टेट्रोज में कितने कार्बन है? चार कार्बन। कितने कार्बन है? चार कार्बन। इसके उदाहरण है आपके कौन कौन से? इरिथ्रोज। कौन सा है? इरिथ्रोज। और एक होता है आपका इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोलोज। बात क्लियर है। फिर आता है आपका पेंटोज। इसमें कितने कार्बन होंगे आपके? पांच कार्बन होंगे। कितने होंगे बेटा? पांच कार्बन होंगे। इसके उदाहरण कौन से हैं? राइबो शर्करा। सब जानते हो किसमें होती है? आरएनए में। दूसरी आपकी कौन सी? डीऑक्सीराइबोज। कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। देखिए आप, ट्रायोज में तीन कार्बन, ग्लिसरेल्डिहाइड, टेट्रोड में चार कार्बन, रिथ्रोज इरिथ्रोलोज और पेंटोज में पांच कार्बन, और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आरएनए और डीएनए पाई जाती है। लास्ट इंपोर्टेंट देखिए आप, छह कार्बन। इसकी बात कर रहे हैं अपन, छह कार्बन। इसको अपन कहेंगे हेक्सोज। क्या कहेंगे? हेक्सोज। और इसमें आपको उदाहरण होंगे आपके पास में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। स लगा दो या ज लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ग्लूकोज भी बोल सकते हो आप, ग्लूकोज भी बोल सकते हो। इन सब का सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। क्लियर। C6H12O6 और ग्लूकोज में कौन सा समूह होता है आपका? एल्डिहाइड। कौन सा होता है? एल्डिहाइड।
और फ्रक्टोज में कौन सा होता है आपका कीटोन, कौन सा होगा बेटा कीटोन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छह कार्बन वाले को बोलते हैं हेक्सोज, तीन उदाहरण है ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, तीनों का सूत्र एक ही होता है C6H12O6, ग्लूकोज में होगा एल्डिहाइड फ्रक्टोज में होगा कीटोन। क्लियर बेटा, ये थी आपकी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीजें, क्लियर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।